नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा चिन्ह और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। खबर तालेड़ा से है। डाबी बरड क्षेत्र में मंगलवार को 11,000 केवी हाई टेंशन लाइन तार टूटकर नीचे गिरे और तार की चपेट में आने से दो पैंथर नर व मादा पैंथर, दो बच्चे शावक, तीन गाय, चार नेवली की मौत हो गई है। ग्रामीणों की सूचना पर सहायक वन संरक्षक डाबी संजय शर्मा, वनपाल भंवर सिंह, वन रक्षक किशन, सहायक मानमल मय जापता घटनास्थल पर पहुंचे। सहायक वन संरक्षक संजय शर्मा ने बताया कि ग्रामीण द्वारा सूचना मिली डाबी से बर्डफ्लू 11,000 केवी हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर नीचे गिर गया, जिसमें तीन गायें चपेट में आ गई, जिनको खाने के लिए मादा पैंथर व 2 साल के बच्चे खाने आए होंगे और करंट लगने से उनकी मौत हो गई। पैंथरों द्वारा एक गाय को आधा खाया हुआ था और मृत पैंथरों के शव को देखते हुए लग रहा था कि 2 से 3 दिन घटना को हो चुके हैं और आसपास घास भी जली हुई थी, जिससे लगता है कि लगातार करंट प्रभावित होता रहने से सभी जानवरों की मौत हो गई है। मौके से मृत पैंथरों का वन विभाग रेंज ऑफिस लाया गया, जिनका सुबह अधिकारियों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर जांच की जाएगी। स्टाफ के पास ग्रामीणों से मोबाइल से सूचना आई कि सब यहाँ दसालिया ए में बर्फू डाबी से जो बर्फू 11 केवी की लाइन जा रही है, वो जंगल के घने जंगल के बीच में एक जगह तार टूटा हुआ है। वहाँ पर पैंथर उस तार के चिपका हुआ है और मरा हुआ है। स्टाफ यहाँ से वहाँ पहुँचा, तस्दीक की कि साहब वाकई में पैंथर है। मौके पर मैं भी पहुँचा, प्रशासन को भी सूचना दी गई, SDM मैडम की ओर से पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर जाके देखा तो तार जो टूटा था उसमें करंट लगातार प्रवाहित हो रहा था, उसके कारण से गाय मरी संभवतया और गाय को पैंथर द्वारा खाया हुआ था। तो उस मरी हुई गाय को पैंथरेस थी, मादा थी, वो खाने आई और तार पास ही था तो वहाँ वो चिपक कर, उसके दोनों बच्चे भी चिपक गए, वो भी चिपक गई और जल गई। वहाँ के आसपास की सारी घास भी जली हुई है। उसके बाद वहाँ दो गायें और मरी है और नर पैंथर भी वहाँ पर शायद उन्हें ढूंढने या शिकार के खाने के लिए आया, वो भी वहाँ उस तार से छूकर और उसकी भी डेथ हो गई। तो ये घटना तकरीबन 2 से 3 दिन पुरानी है। तार में लगातार करंट प्रभावित हो रहा था, उससे टोटल 3 गायें, 2 पैंथर और 2 पैंथर के बच्चे और 2-3 नेवले, मतलब वो करंट लगातार प्रभावित होने से